खबर खनियादाना से है, जहां शासकीय जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण किया गया था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर दुकानों को जमींदोज कर शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन ने पहली बार इतनी बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। आपको बता दें कि तहसीलदार कैलाश मालविया के साथ राजस्व विभाग एवं थाना प्रभारी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल और नगर परिषद कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर खनियादाना बस स्टैंड पर बने कांग्रेस कार्यालय और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर दुकानों को जमींदोज कर दिया है। जिला प्रशासन ने बाकायदा नोटिस देकर पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया। ये सर्वे नंबर 875 है जो शासकीय है, उसमें नाले का निर्माण प्रस्तावित है जो स्वीकृत भी हो चुका है नगर परिषद में, उसका कार्य प्रारंभ करना था। उसी से लगी हुई निजी भूमि है, उसका सीमांकन करने के पश्चात सर्वे नंबर 875 में जो अतिक्रमण था उसको आज हटाया गया है। उसमें दो पक्की दुकानें थी जिन्हें तोड़ा गया है। सर, इसके पहले इस पर और पहले कार्रवाई की है क्या? अतिक्रमण के विरुद्ध तो नहीं हुई थी, लेकिन यह जरूर है कि सीमांकन किया था, लेकिन बीच में सीमांकन करने नहीं दिया गया था। खनियादाना से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट।